जब तेने कोई हजार मर करता तो फिर कोई को मारी मारो मैया मुख जल्दी से भूख दे है आ गया दादा भूख तकिया हनुमान जी ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधु यहाँ पर सीता जी ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए क्योंकि देखिए बंदर की जाती है न जाने कबजा को मन विचलित है उनकी परीक्षा लेने के हेतु कच्चे सूत की अड़िया कच्चा धागा जिसे बोलते उसको लेके हनुमान जी को दर्शन पाने अब ध्यान दीजिए हनुमान जी ने बहुत जोर से स्वागत लगाया अब माता के बंदे हनुमान जी अब कच्चो भावना टूट पाए तब बामे राम जी रघुकुल की वहां मर्यादा की शपथ न ली थी हनुमान जी बोले भैया ओ भैया खोल दे तुमको तो रघुकुल और रघुपति की सौगंध देखो यहाँ पर रघुकुल और रघुपति यहाँ सौगंध दिवाई है और तब हंसी करके सीता जी ने हाथ फेरते हुए कच्चो धागो खोल दो हनुमान जी छलांग लगाई कैसे कुछ खाए नहीं कछु तोड़े कछु फेंक दे कछु पेड़ों खा रहे कछु जा पेड़ पे कछु पापड़ जम्मू माली ने देखा ये देखो ये बानर घुस आया है सारे बाग का सत्यानाश कर दिया तुम सोते रहे अब जितने माली जो को भागे हैं पकड़ गए हनुमान जी का एक आता हनुमान जी ये जैसे बराबर फला हटाए वो नहीं मैं उन्हीं को मारे हनुमान जी के कंध अंदर लड़क गए तो सभी सब हनुमान जी घूमे कब जाना को घूमे यू ही फेंक दे बखने अब हनुमान जी उड़े से मेरे पैर पकड़ के लड़क बने एक दम हनुमान जी पत्नी के गिरे सबन को प्रणाम कर दो कुल बजरंग बली की इस तरह जम्मू माली को मारा वहां के जो राक्षस थे उसको मारा दो चार रह गए जाके भाग के पहुंचे रावण के दरबार में बोले गजब हो गया क्या हुआ ऐसा बाना राजा है महाराज उसने तो देवा देवा मचा दिए है सुनते ही दशानन का पुत्र ध्यान दीजिए आज मेरे भगवत बंधु मेघना से छोटा था अच्छे कुमार आज उस अक्षय कुमार ने मारने की शपथ अपने पिता को दिया अपनी सेना लेकर के आया जब तक हनुमान जी खूब झुकबेट खा लो बेटे कछु कर लो लगा लो बोले आवन दो अब हम बल जमाने के लिए जैसे ही अक्षय कुमार आया है उसने चारों तरफ से घेरा बाणों की वर्षा की हनुमान जी की गदा के आगे काऊ बाण की नहीं चली और एक ही पुस्तिका से अक्षय कुमार का अंत किया वो भी ऊपर आकाश में जा ऐसे करके उसको फेंक दिया बोलिए बजरंग बली की बोले रामचंद्र भगवान की फिर वह देखा है जाके खबर मालूम हुई अक्षय कुमार का वध उस बानर ने कर दिया मेघनाथ को बुलाया जो इंद्रजीत कहलाया इंद्रजीत ने हनुमान को लाने की शपथ खाया आज सब सेना को लेकर के रथ पर सवार होकर के अशोक वाट का आया हनुमान जी ने देखा है अब के आवाज सेना लेके हनुमान जी अब तो फल जोर जोर से खाने लगे बोले बानर तूने आकर के यहाँ हमारे बगीचे में चोरी की ये कहा था मेघनाथ अरे हो बानर तुझे शर्म नहीं चोरी करने पर हनुमान जी बोले चोर के घर चोरी करने में कोई बुराई ना होती बजरंग बली की हनुमान जी ने इतनी कह दी कि चोर के घर चोरी करने में कोई बुराई ना एकदम से बाणों की वर्षा की हनुमान जी ने ऊपर छलांग लगाई कुछ नहीं बिगाड़ सके वो मायावी हनुमान फिर से झटकूद के सामने आया वहां एक बार को दहलाया मेघनाथ इंद्रजीत जिसने फिर देखा है कि बानर मायावी है उसी क्षण उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया
ब्रह्मा जी बाण की कोर बैठा रहे हैं गए बोले हनुमान मर्यादा खत्म हो जाएंगे क्योंकि यह चंचल है। अब हनुमान जी ने जो ही ब्रह्मा जी को देखा शीश को झुकाया इस तरह उनका मान मगर रखने के लिए खड़े हो गए और ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी आज इंद्रजीत बड़ो प्रसन्न भाव बने वाह लेकर के चंडिया पिता के दरबार पहुंचे। सारे लंका में हनुमान जी को घुमाया राक्षस बड़ा बड़ा खुशी मना रहे हैं देखो ऐ बंदर के समय जाने तो बड़े बड़े जुर्म उठाए हैं अक्षय कुमार को मार दिया है। अब जैसे ही दरबार में पहुंचे हैं कहा कि बोले बजरंग रावण से उन्होंने शीश नहीं झुकाया रावण ने उन्हें बैठने को कोई आसन नहीं दिया था। हनुमान जी अब देख रहे हैं कि ये राजा है राजा होकर के यहाँ राज्य इनके अंदर कोई परिभाषा नहीं कोई नियम ही नहीं है। हनुमान जी ने मन में विचार किया बंधे ब्रह्मास्त्र में पिता के समक्ष आज मेघनाथ ने उन्हें हाजिर किया कि नहीं पिताजी ये हमारे भाई का हत्यारा इसका हनुमान नाम है। अब यह देख करके बोले हे बाणा तुझे जरा भी सभ्यता नहीं आई आज यहां तू मेरे सामने खड़ा और तुझे बिल्कुल तहजीब नहीं है कि राज दरबार में किस तरह घुसा जाता है और किस तरह राजा राजा के सामने पेश हुआ जाता है। हनुमान जी बोले चलो हमें तो जी ठीक है तूने कह दी लेकिन महाराज यह बताओ कि तुम्हें कौन सी सभ्यता है तुम तो राजा हो लेकिन राजा होने के खातिर हम तो बाहर से आए हम तो बाहर से आए हैं लेकिन तुमने अभी तक हम लोग हमसे बैठने की नहीं कहा ये कैसा राजा है राजा की यहाँ ऐसा नहीं कभी देखा ना सुना। तभी कहते हैं तेरे लिए मैं बैठने को कहूंगा एक तो मेरे पुत्र का वध किया हत्या ने तू तो मृत्यु दंड देने के योग्य है अब तुझे वही मृत्यु दंड दिया जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे भगवत बंधु आज इस तरह जब कहा गया है कि इसे पकड़ लो ये जीवित नहीं जाने पाए इसे इसी क्षण मृत्यु दंड दीजिए। जब चारों तरफ से राक्षस लोग आगे बढ़े हैं मेघनाथ भी आगे बढ़ा सबके हाथों में तलवार थी कहीं से किसी को से निकल न जाए उसी क्षण विभीषण जी खड़े हो गए। विभीषण जी ने कहा महाराज ठहरो एक तो आप राजा हैं मैं तुम्हारा भाई हूं एक भाई होने की खातिर राज्य के तुम्हें कुछ नियम बताता हूं जो आज तुम भूल गए हो। ये भेजा किसी कहां से आया है और क्यों आया है फिर इसको ऐसा कुछ दंड देना लेकिन मृत्यु दंड मत दे। फिर राजमंत्री से पूछा उन्होंने भी यही बताया कि महाराज जो भक्त विभीषण ने संदेह बताया वही विचार सही है तो ठीक है। उसे पूछा तू कहां से बोले मैं राम का सेवक हूं मेरा नाम हनुमान है और राम का भेजा जा आया हूं और माता का पता लगाने आया तू सीता का पता लगाने आया है और राम का भेजा आया है। आज ध्यान दीजिए हनुमान जी ने कहा ए दशरथ अब भी कुछ नहीं बदला है जो आज मैं तुझे कहता हूं यदि मेरा कहा तू माने उस परम पिता भगवान राम की माता सीता का डोला बातचीत ले जाकर के तू उनकी शरण में पहुंचाएगा और उनके चरण में जाकर तू गिर पड़ेगा फिर भी तेरा उद्धार ही सुन रावण अभिमानी काला तेरा अब आयो सुन रावण अभिमानी काला तेरा अब आयो
पीछे भजन पीछे उचित दंड स्वीकार किया हनुमान के लिए कि बंदर को पूछ अधिक प्यारी होती है। अब इसे पूरा करके यानी पूछ दूरी करके जब इसे जागो यहाँ से निशानी ले जाएगा सब बंदर को याद आएगी। आज हनुमान जी के लिए आदेश दिया है अब गौर कीजिएगा जैसे ही घी तेल इतनो डारो अपन मनन सुन तो जो के लंबो बाबा पिन पिन कछु ना बाकी छोड़। अब ध्यान दीजिएगा जैसे ही अग्नि लगाई हनुमान जी ने एक छलांग लगा सबसे पहले रावण स्वरूप भाई भवन में जाए बाकी जितने जो पर्दा हसी भक्त के बीच में अब तो भैया अग्नि प्रसन्न हो गई क्या होगा में राजा सराय खेला
सारी लंका में आग लगाने के बाद हाहाकार मची है, समुद्र के ऊपर आए और झट से उन्होंने हनुमान जी ने नीचे को ध्यान रखते हुए अपनी पूछ ली और अग्नि को बुझाया। अरे रावण की हनुमान जब पूछ बुझा करके और जगत माता सीता के ऊपर वहां पहुंचे अशोक वाटिका ने आज सारा सीता जी को बताया और सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। अब कहा हे हनुमान तुम जाओ मेरे स्वामी से कह देना एक माह के भीतर ही भीतर आ जाए नहीं तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। इतना जब सुना है हनुमान जी ने कहा हे माता विश्वास करो जिस तरह आप भी अपने पागल हैं उसी तरह मेरे स्वामी भी पागल हो उनको भी जरा कदाचित चैन नहीं। आज उन्हें ध्यान दीजिए कहा कि माता मोई दीजे का छुचीना हनुमान जी के प्रति सीता जी ने चूड़ा मारी ओ सारी तब दहाई और वहां से उन्होंने छलांग लगाई समुद्र के इस पार जहाँ अंगद जम्मन और नंदी सभी उनकी प्रतीक्षा में थे। मेरे भाव बंधु उनसे जब जाकर के वह मिले हैं सबको बड़ा ही खुशी है। वहां से चल करके पर्वत पर पहुंचे हैं जब सारा दल पहुंच चुका है केवल एक ही अजर रहा था तीन तो जन चार टोली बचे तीन टोली पहुंच चुकी है केवल दक्षिण की दिशा जो टोली गई थी जिसके अंगद स्वयं सेनापति बने थे वह टोली बाकी थी केवल राम जी को वही एक आस थी। जानमन जी जान इधर जा रहे हैं और वह सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु मैं यदि आपका सच्चा मित्र हूं यदि चौथी टोली भी माता सीता की सुध लेके नहीं आती है तो मैं किसी भी वानर जाति को छोड़ूंगा नहीं। अब देखिए वहां पर जब पहुंचे हैं राम की जय जयकार हो रही है सभी राम की जय जयकार माता सीता की जय जयकार लक्ष्मण जति की जय जयकार होती जा रही है तभी राम को संदेश मिल चुका बोले रामचंद्र भगवान की राम से जा भेंट किया शीर्ष झुकाया हनुमान जी ने चूड़ा मणि को उन्हें दिया और सारा जो हाल था लंका का वहां जाकर के राम जी को बताया। राम जी ने उनका बड़ा ही प्रेम जाहिर किया है। मेरे भागवत बंधु मेरी माता बहनों मेरे संत समाज मेरे बुजुर्ग आज की कथा का यही प्रारंभ देते हुए कल के रोज ध्यान दीजिएगा सभी बैठे रहेंगे और ध्यान दीजिएगा कल के बारे में कल सबसे प्रथम लंका पर चढ़ाई होगी शेष माना जाएगा हनुमान ध्यान दीजिए।
पुष्प ले लो हाथ में, हरी चल महाराज पुष्प ले लो हाथ में, और ये थाली को रख दो महाराज जी से ले लो थाली को रख दो। ओम हरि ओम महादेव की हे दया के राजा जगदेव की भक्तों की सभी भक्तों की तथा प्रेमियों की सभी भक्तियों की सनातन धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का करो बलराम जोल पानी सभी भक्त बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर सभी भक्त बैठ जाए सीता को पांव में राम जी को मार के लक्ष्मण जी एकदम से कहते नहीं बाते नहीं आप ही कैसा बचन कर रहे हैं माता, ये मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भैया ने मुझसे कहा तुम्हारी रक्षा के लिए मेरा यह रहना आवश्यक है, मैंने ऐसा कभी अपने मन सोचा भी नहीं। मैं तो अपने इस दुख के बारे बैठी थी भला मैंने तुम्हारी आवाज सुनी चलो तो सुन लिया। मैं कई दिनों इतना जो सुना है दशहरा के महात्मा ने भेज से कह दिया अरे देवी कुटिया से बाहर आओ और हमें कुछ दान दीजिए जिससे कि हम खा करके भूख अपनी मिटाए। ये बात सुनते कहा सीता जी सुन जोगी तुम्हें बात बताऊं, सुन जोगी तुम्हें बात बताओ कुटिया से बाहर नहीं आऊं, अरे कुटिया से बाहर नहीं आऊं। ये तुम्हें भिक्षा देनी है तो आप इधर आगे आइए
क्योंकि मेरे देवर की आन लगी है मेरी सुरक्षा के वास्ते, इसलिए मैं कुटिया से बाहर कदम नहीं रख सकती। तुम भूखे हो आओ मेरे पास, कुछ फल मेरे पास रखे हैं। उस मृगा के चक्कर में किसी ने भी नहीं उसको चखे, लो ऐसे की ऐसी रखे हैं, आप इनको लीजिए, आप अपनी झोली को आगे बढ़ाओ। आज कहती है कि हे देवर तुम कहाँ हो, हे स्वामी तरक आप दौड़ करके आओ, यह देखो दुष्ट मुझे लिए जा रहा है। देवर की मैंने बात न मानी, महादेव जी कहते हैं हे पार्वती जी, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की माया थी कि उधर तो लक्ष्मण पहुंचे हैं राम जी के पास और इधर वो खंड माया भी महात्मा का भेष धर के पंचवटी के दरवाजे पर पहुंचा था। माता कह करके भिक्षा मांगन मांगी है, उधर राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण मैंने तो तुम्हें कह दिया था कि आप पंचवटी पर ही रहना, लेकिन तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। बोले भैया जब आ गया हे बंटे बच्चों, हे बंटे जीवो तुम मुझे क्यों नहीं बताते, अरे किसी ने तो देखा होगा मेरी बेटी को। तुम बोला तुम आके पिया सिया को ढोने रहे बनो में आप कबे सदाए न गोगी न सिया को ढोने रहे बनो में। आज देख रहे हैं तो इधर में घायल बड़ा वह जटाऊ राम 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 कहे पुकार रहा था, घायल पड़ो जटायु पायो, नारद जी को भेज करके उन्हें अवगत करा दिया था कि ये शरीर तुम्हें त्याग करके राम अवतार में दर्शन दूंगा। हे मेरे भारत बंधु मेरे मत बहनो, यह रामायण जो है रामायण अक्षय बारीकी से कहा जाए तो काफी समय लगता है, लेकिन यहां के जाओ उसे कह देना जो सुंदरी मुझे पाने की चेष्टा कर रही है अरे ये शरीर त्याग करके तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तब त्रेता की बात उन्होंने राम अवतार की बताई, नारद जी ने वही कहा कि हे देवी इस शरीर को त्यागो, यदि तुम्हें भगवान की इच्छा है तो तुम्हें दूसरा जन्म लेकर के तो भगवान से मिलाप होगा, अवश्य दर्शन देंगे क्योंकि मुझे उन्होंने ही भेजा है। ध्यान दीजिए दूसरा जन्म उन्होंने एक सौंग पांच वर्ष की सबरी जब हुई थी तो वह काला रूप था उनका, ध्यान दीजिए क्योंकि भगवान ने जब उनकी प्रार्थना को सुना तो वो रूप सुंदर उत्तर नहीं दिया गया, उन्होंने स्वयं जैसा रूप मांगा, भगवान ने इच्छा को
मूर्ति करते हुए अगर सही रूप धारण किया, लेकिन जब विवाह के योग हुई शेर सबरी जो थी राम को पाने के लिए भक्ति का योग क्रिया करती थी। भगवान से प्रार्थना लंका में पहुंचे, लेकिन लंका का बड़ा ही परकोटा बिखरा हुआ था। पहले प्रथम दरवाजे पर छोटा रूप बना लिया है वहां का भेद जानने के लिए। द्वारे पे लंकिनी आई है, द्वारे पे लंकिनी पाई है, अरे तू क्या मेरा खोप नहीं खा रहा है, जो तू गुस्सा ही चला जा रहा है। हनुमान जी छोटे स्वरूप में बोले, ए माता मुझे जाने दे, मैं यह लंका देख भी आयो। तू लंका देख भी जा रहे हो और मेरे पहला यहाँ लगा हुआ है, तू यहाँ में घुस जाएगा। ध्यान दीजिए, हनुमत गए जबर सी आई है, अपना रूप विस्तार से बाहर एक ही घूसवा के माथे में जाओ, एक ही चक्कर खा के गिर गई। वह ब्रह्मा जी नजर आ गई, ब्रह्मा जी का वह दिया हुआ वचन याद आ गया कि हे लंकिनी, जिस वक्त तू एक बानर के घूसा त्रिमूर्छित हो जाएगी तभी समझ लेगा। श्री महादेव तैयारी पूजा पाठ की करते हैं, तब तक सामने दरवाजे से किवाड़ खुल रहे हैं, किवाड़ खुल रहे हैं और जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा, कभी किवाड़ खुल के देखा तो ब्राह्मण, आओ भैया तुम कौन हो, राम के भक्त, यहाँ इस लंका में तुम कैसे आए। बोले कि मैं तो यहाँ इस तरह रहता हूँ, इस तरह मैया रहता हूँ। हे हनुमान, आज गांधी जी हनुमान मन सोचने लगे हैं कि पहले आप अपना परिचय दीजिए, तुम कौन हो, मैं तो एक ब्राह्मण हूं या कैसे आया हो, ये तो मुझे भगवान ही बताएंगे, क्योंकि आप राम के भक्त हैं तो मैं भी राम का भक्त हूं। तब भक्त विभीषण ने अपना परिचय दिया, तब हनुमान जी ने अपना असली परिचय दिया कि विभीषण जी मैं माता सीता का पता लगाने आया हूँ, मेरे पूरी लंका को देख मारा, भवन भवन चौकी चबूतरे चौपड़ी मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, लेकिन माता सीता का पता नहीं मिला। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान, तुम अशोक वाटिका नहीं गए हो, इस लंका से थोड़ा ही कहना अशोक के नाम से, अशोक वाटिका नाम से बहुत बड़ा बगीचा, वहां पर माता सीता है, लेकिन पहरा कड़ा लगा है, ध्यान से जाना। वहां मंदोदरी को साथ लिए रावण आया, सूर्य का भक्त था, आके वहां ललकारता है सीता से, कहता है ए सीते, हमने तुम्हारा तक इंतजार किया, लेकिन अब हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते। वह बोला है सीते, क्यों करती आया कानी है, माया से यशी रची न जाई, माया से यशी रची न जाई, अब कौन जानू बिछालो मेरे प्रिय की।
स्वामी की उंगली में तो आज मैं अपने स्वामी से कितनी दूर हो चुकी हूँ। पहला मुझे बहुत याद है लगी बिन जनकपुरी अरमान से छलांग लगाई और शर्त कहा हाथ जोड़ करके कि हे माता मैं प्रभु राम का सेवक हूं। तब उन्होंने कहा हे पुत्र तूने मुझे माता कहा, हे पुत्र तू ये नर और बानर का साथ कैसे हो? ये संदेह मुझे अब पूरी पूरी बात विस्तार से बताइए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता का कन्याओं की अपने गुरु महाराज की माता पिताओं की सनातन धर्म की
समझम जाने करो प्रणाम जोड़ पानी। सभी भक्त बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर, सभी भक्त बैठ जाए। सभी दूर दराज से आए हुए भक्तों
क्षेत्रीय भक्तों और समस्त ग्रामवासियों, सभी पावन पवित्र कथा प्रसंग में पधारे हुए महान आत्माएं, लता पताओं पर विराजमान सर्वत्र कुल देवी देवता, 33 करोड़ के समस्त देवी देवता, वह श्री रामचरित्र मानस संत भगवान गुरु भगवान सभी के चरणों में वंदन करते हुए नमन करते हुए आज आपके समय स्वस्थ दिवस के छठे दिवस की कथा का रसादन कराया जाएगा। जो पावन सुंदर कथा का प्रसंग चल रहा है, बड़े भाग से ये हीरा स्वरूप जीवन Thank you.
जी कार्य किया। हनुमान जी को यदि राम जी का आदेश होगा, सीता जी के सामने अशोक वाटिका में हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया मैया के सामने, माँ मुझे आदेश नहीं है मेरे प्रभु का और मैं तुम्हें अभी ले चलता हूं, आदेश नहीं है, आज्ञा भंग नहीं कर सकता मैं अपने प्रभु की, इसलिए तुम चिंता मत करना मैया, मैं शीघ्र ही प्रभु को अपनी हाल बताऊंगा और वो शीघ्र ही आने की कृपा करेंगे। तो वहां से चूड़ा मणि लेकर के आए थे सबूत के तौर पे, संकेत के तौर पे, क्यों? क्योंकि इधर से मुद्र का लेके गए थे अंगूठी, उधर से जो बालों की चूड़ा मणि होती उसे लेकर के आए थे, और आकर के राम जी को जब दिखाई, राम जी ने उसे पहचान लिया और विश्वास भी था कि केवल हनुमान ही खबर लेकर के और आ सकते। जब लंका का पूरा हाल बता दिया है, राम जी के मन में आया कि अब हमें ज्यादा देरी नहीं करनी है, समय बहुत अधिक हो चुका है, अब तो कैसे भी करके हमें लंका में प्रवेश करना है। उसी समय ध्यान देना, जो ऋषिराज जो थे आए, उनको बुला लिया चावल जी। राम जी ने कहा है चावल जी, अब हमें विलंब नहीं करना है, हम पर सीते का वियोग सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि हनुमान ने बताया है कि लंका में वो राक्षस और रावण इत्यादि सीता को बहुत धमकियां देते हैं, क्योंकि हनुमान ने तो शैव देखा उस समय रावण आया था, लेकिन उनमें भी एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रजटा। त्रजटा सीता को पुत्री मानती थी, पुत्री भाव से उसने सलाह देती थी। तो कल आपने सुना कि त्रजटा ने बताया था सीता को कि बेटी जब हनुमान नहीं गए तो उससे पहले बताया कि आज स्वप्न में मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा है और वो भी सुनहरी रंग का देखा था। आज यही बात सीता और त्रजटा में हो रही थी। कहा मां तुमने जो स्वप्न की बात कही थी वो सत्य हो गई। त्रजटा ने कहा बेटी मैंने पहले बताया कि जो सुबह का स्वप्न होता है वो सत्य होता है, अब मुझे लंका में हर समय अशगुन दिखाई दे रहे हैं और बेटी जो दुख तुमने उठाए अब उनका अंत होने की ओर है, तो मैं तुम्हारे पति से शीघ्र ही मिलन हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इधर में सीता और त्रजटा की बातें चलती हुई, इधर में भगवान रामचंद्र जी और सामंत से कह रहे हैं कि मुझ पर अब सीता का वियोग सहन नहीं हो रहा, ऐसा करो सभी को आदेश दो हमें शीघ्र ही लंका में चलना है। जामन जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करें, हमको भी मां का बड़ा दुख है, हम शीघ्र ही तैयारियां करते हैं। आज सुग्रीव से कहा गया महाराज तैयारियां करो, ज्यादा विलंब मत करो, आज सभी सेना को तैयार कर लिया। राम लक्ष्मण जावर नर नील अंगद इत्यादि जो भी है सभी बड़े बलशाली जो योद्धा है आज चलना प्रारंभ कर दिया। रास्ता तो हनुमान जी देख ही चुके थे समुद्र तक की, समुद्र के किनारे आ जाते हैं, जैसे ही समुद्र के किनारे आए और समुद्र छोटा मोटा नहीं 400 योजन है, कैसे निकला जाए, सेना बहुत विचार कर रहे हैं भैया अब कैसे ये सेना पार जाएगी, क्या होगा, कैसे निकलेंगे हम। उसी समय रामचंद्र जी ने ध्यान देना बताया है, समुद्र देवता का आभार किया था, उन्हें बुलाया था, जब बुलाने के लिए कहा तो समुद्र देवता ने आने में देर कर दी, जब देर नहीं तो उसी समय